नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हम हमारे वोटर आईडी कार्ड में कैसे एड्रेस चेंज कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके लिए आपको वोटर पोर्टल पर आना होगा। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। लॉगिन पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। यदि वोटर पोर्टल पर आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तब तो आप डायरेक्ट अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। पहले आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। ये अकाउंट या तो आप अपना मेल आईडी से या मोबाइल नंबर, दोनों में से किसी एक से बना सकते हैं। जो भी आप मेल आईडी या मोबाइल नंबर लेंगे वो यहाँ पर इंटर करें, उसके बाद आप यहाँ सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दें। अब जो आपने मोबाइल नंबर या मेल आईडी दिया है उस पर ओटीपी जाएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ इंटर करना है, वेरीफाई करना है, और उसके बाद आप क्रिएट अपना नया पासवर्ड क्रिएट कर ले, नया पासवर्ड बना ले यहाँ पर इंटर न्यू पासवर्ड पर, फिर उसके बाद उसी पासवर्ड को री इंटर कर दे। ये जो कोड दिया हुआ है आपको ये मैथ सॉल्व करनी है और इसका आंसर यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है, फिर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर दे। अब आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे आपका अकाउंट बन जाएगा, और फिर जो भी आपने मेल आईडी या मोबाइल नंबर जिससे भी अपनी आईडी बनाई है उसके द्वारा और इस पासवर्ड से आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ वेलकम पर आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आके आपको करेक्शन इन वोटर आईडी यहाँ पर आपको क्लिक करें, लेट्स स्टार्ट पर क्लिक करें। अब वो पूछता है कि क्या आपके पास वोटर आईडी नंबर है या नहीं है। यदि वोटर आईडी नंबर है तो हम यहाँ यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। जब आप नो पर क्लिक करेंगे तो वो आप वहां पर जाके फिर क्या कर सकते हैं, अपने वोटर आईडी नंबर को सर्च कर सकते हैं अपने नाम के द्वारा। अब यहाँ पर हम यस पर क्लिक करेंगे, फिर अपने को यहाँ पर वोटर आईडी नंबर देना है, उसके बाद फेस डिटेल्स पर क्लिक करें। अब आपकी डिटेल वो मैच करेगा, यदि आपका रिकॉर्ड मैच हो जाता है तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, वी हैव फाउंड दिस रिकॉर्ड। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब जो भी आपके अभी आपके उसमें आए वोटर आईडी में जो डिटेल है वो डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। उसके बाद वो रीजन पूछता है कि करेक्शन करने का क्या रीजन है, आपको शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस पर क्लिक करना है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अब आपका जो नया एड्रेस है वहां का आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिलेक्ट कर लें। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको नहीं मिल रहा है, क्या होता है कि जो बड़ी सिटीज होती है वहाँ एक से ज्यादा चुनावी क्षेत्र होते हैं, जैसे जो विधानसभा क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, तो छोटी सिटी में तो एक ही रहते हैं, तो आपके नाम से आपकी सिटी के नाम से ही सर्च वो हो जाएगा। नहीं तो अगर एक से ज्यादा हो तो आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं, अपने कॉलोनी के नाम के साथ आप सर्च करेंगे तो ईजिली आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप बीच बीच में वो कभी आपसे मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए भी कह सकता है, तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करें और सेंड ओटीपी पर क्लिक करें, उसके बाद ओटीपी यहाँ पर इंटर करें। अब आपके सामने आ जाएगा इंटर योर करंट एड्रेस। अब आपको अपना नया एड्रेस यहाँ पर इंटर करना है। जब आप इंग्लिश में इधर लाएगा तो हिंदी में अपने आप ले लेगा, और यदि हिंदी में कुछ गलती हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप उसको सही भी कर सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जब वो हिंदी में वैसे तो अपने आप ले लेता है, लेकिन कई इस यहाँ पर आपको ग्रीन का राइट का निशान भी दिखना चाहिए। यदि राइट का ग्रीन कलर का राइट का निशान नहीं आता है तो आप यहाँ पर एक क्लिक कर दे, जैसे ही आप एक क्लिक करेंगे तो वो राइट का निशान आ जाएगा, उसके बाद ही आप प्रोसेस कर पाए। तो आप पहले देख ले कि सारे ग्रीन राइट यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर आपको एरिया टाइप सिलेक्ट करना है कि आपका विलेज है या सिटी है। यहाँ पर आप सिलेक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पे पिन कोड इंटर करें, फिर उसके बाद आपको यहाँ इंटर योर कॉन्स्टिट्यूएंसी मैनुअली पर क्लिक करना है, फिर स्टेट डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर अपना सब इंटर करने के बाद अब यहाँ पे देखिए यस आई हैव आधार। यदि आपके पास आधार नंबर है तो आप यस पर क्लिक कर दे, नहीं है तो यहाँ नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दे। अब आपको उसके बाद अपना एक एड्रेस प्रूफ सिलेक्ट करना होता है। एड्रेस प्रूफ के लिए आपको क्या देना चाहते हैं आप, यहाँ पर आपको सिलेक्ट योर एड्रेस प्रूफ, यहाँ पर सिलेक्ट द डॉक्यूमेंट टाइप हियर, यहाँ पर जाके आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट चाहते हैं आप सबमिट करना। आपको नए एड्रेस के लिए उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तो देना होगा, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है या मोबाइल बिल है या फिर आपका आधार कार्ड है या और भी कोई लाइसेंस कार्ड है, जो भी आप लेना चाहते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ सिलेक्ट फाइल टू अपलोड,
यहाँ पर यदि आप डिजी लॉकर से अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें, नहीं तो आप यहाँ पर क्लिक करें सिलेक्ट फाइल टू अपलोड, यहाँ पर आपको फाइल अपलोड करना है। तो जो भी आपका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है वो यहाँ से आपको अटैच करना है। पहले क्या करना है, पहले अपने को यहाँ पर यदि आपका आधार नंबर है तो आधार नंबर इंटर करें, फिर उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करें। डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट फाइल टू अपलोड पर क्लिक करें। आपकी जो सपोर्टिंग फाइल है वो 2 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और उसका जो फॉर्मेट है वो JPEG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। फाइल अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। उसके बाद वो डिटेल अपने आप ले लेगा। फिर आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देखिए, यहाँ पर भी आपके जो जो है यहाँ पर सब जगह वो हिंदी में अपने आप लेगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये देख लेके ऐसे ग्रीन कलर के राइट के निशान आ जाए, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लें। यहाँ पर आपको आई एक्सेप्ट, ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, तो यहाँ आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आपका नया एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लेना है कि कौन से ईयर और मंथ से आप इस नए एड्रेस पर रह रहे हैं, वो यहाँ पर लेने के बाद फिर नीचे की ओर जनरल डिक्लेरेशन आ जाएगा। यहाँ पर अपना प्लेस इंटर कर दें, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। फॉर्म 8 ओपन हो जाएगा। फॉर्म 8 में आप नीचे की तरफ आए हैं और सबमिट पर, यदि आप इसमें एडिट करना चाहते हैं तो एडिट फॉर्म पर क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप यहां पर सबमिट पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके सामने मैसेज आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है और यहां पर एक रेफरेंस आईडी नंबर आएगा। ये रेफरेंस आईडी नंबर आप नोट कर लें क्योंकि इसी से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब ये तो थी कि हमने एप्लीकेशन कैसे सबमिट करना है, अब हम देखते हैं कि इस एप्लीकेशन का स्टेटस आपको कैसे चेक करना है। इसके लिए आप जैसे ही लॉगिन करके आप अंदर आते हैं तो यहाँ पर ऊपर की ओर देखेंगे आप ट्रैक स्टेटस, यहाँ पर आपको क्लिक करके एप्लीकेशन पर इंटर करना है, एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना रेफरेंस नंबर, जो मैंने आप बताया था ना आपको उस सेव करके रख ले रेफरेंस नंबर, वो रेफरेंस नंबर यहाँ पर आपको इंटर करना है और ट्रैक योर स्टेटस पर क्लिक करें। अब जैसे अभी हमने सबमिट किए तो यहाँ सबमिटेड आ गया। ऐसे 4 स्टेज में आपके जो प्रोसेस होता है तो आप यहाँ पे उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं।